सुपर आठ शुरू होने से ठीक पहले इन तीन बड़ी बातों से कांप रही है पूरी टीम इंडिया। अगर ऐसा हो गया तो वर्ल्ड कप गया, समझो आईसीसी ने दिया तगड़ा झटका। रोहित और द्रविड़ को खाए जा रहे हैं पिछले वर्ल्ड कप वाला डर। भारत ने तीन मैचों में से दो मैचों में जोरदार बारिश का अलर्ट, एक भी रद्द हुआ तो सीधा बाहर। इन तीन बातों ने बढ़ा दी है पूरी टीम इंडिया के टेंशन। अगर जल्दी हल नहीं निकला तो हो जाएगा बवाल। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से दोस्तों सुपर आठ के शुरू होने से ठीक पहले तीन बातों से पूरी तरीके से डर में सहमी हुई है टीम इंडिया, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक तरफ जहां T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस के मैचेस खत्म हो चुके हैं, यानी अब असली T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है। यहां पर दोस्तों 19 जून वो तारीख होगी जब सुपर 8 के मुकाबले शुरू होंगे। अब तक ग्रुप स्टेजेस के मैचेस खेले जा रहे थे, जहां पर दोस्तों लगभग 15 से यहां पर दोस्तों 16 टीमें एक दूसरे के साथ भिड़ रही थी। लेकिन अब उन 16 टीमों में 15 टीमों में केवल और केवल लास्ट की 8 टीमें बची हुई हैं। अब ऐसे में दोस्तों इन 8 टीमों के बीच काफी ज्यादा धमाकेदार मुकाबले होंगे, और इन्हीं 8 टीमों में से कोई 4 टीमें जाएंगी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। टीम इंडिया का भी उसका पहला जो सुपर 8 का मुकाबला है वो 20 जून को खेला जाएगा, जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाला है। अब 20 जून को होने वाले इस मुकाबले के लिए तो टीम इंडिया एक तरफ से पूरी तैयारी कर ही चुकी है, लेकिन उसके लिए तीन बहुत बड़े डर सता रहे हैं जो उसे फाइनल जाने से रोक सकते हैं। पहला जो सबसे बड़ा डर है वो ये है दोस्तों कि अगर सुपर 8 में बारिश शुरू हो जाती है तो टीम इंडिया के पास कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि रिजर्व डे रखे नहीं गए। ऐसे में टीम इंडिया चाहेगी कि शुरुआत से ही अच्छा क्रिकेट खेला जाए, और अगर बारिश होती है तो उसको लेकर भी कोई ऐसा प्लान बनाया जाए या ऐसा प्रदर्शन किया जाए कि उसके प्रदर्शन से टीम इंडिया को सुपर 8 के प्रदर्शन के दम पर सेमीफाइनल में भेज दिया जाए। लेकिन अब ये करना कितना कठिन होगा ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं जो दूसरी और बड़ी दिक्कत सता रही है टीम इंडिया को वो है टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी। अगर आप देखोगे तो अभी तक T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी खासा असफल रही है। टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ओपन किया है, लेकिन उन दोनों के बल्ले से स्कोर नहीं निकला, खासकर विराट कोहली, और उनको तो ड्रॉप करना भी बनता है। ओपनिंग से उनको तीन नंबर पे भेजना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं उससे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है दोस्तों कि वो T20 वर्ल्ड कप में एक सफल ओपनर के तौर पर जाने जाएंगे। ऐसे में विराट कोहली की जगह पर किसे ओपनिंग के तौर पर टीम इंडिया चुनेगी ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं तीसरी और बड़ी दिक्कत जो निकल कर आ रही है वो है दोस्तों शिवम दुबे का खराब फॉर्म। शिवम दुबे जो कि T20 वर्ल्ड कप में काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, और टीम इंडिया को एक कॉन्फिडेंस था कि शिवम दुबे अच्छा खासा क्रिकेट खेल जाएंगे, लेकिन शिवम दुबे ने इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को पूरी तरीके से निराश किया है। अब शिवम दुबे के इस खराब प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया को उनका बैकअप ढूंढना है, जो फिलहाल मिलता नजर नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए शिवम दुबे का बैकअप, कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।